समीची व्यक्ति हेलो 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 हाँ उमर उमर साहब बात कर रहे हैं। बोलिएगा। अरे यार, आपने हमारे भाई की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर चढ़ा दी। इनको इतना इल्म नहीं था, आपने जो है ऐसे इनको उल्टा सीधा समझा के और रिकॉर्डिंग डाल दिया यूट्यूब पर। अच्छा, किसका भाई? आपने हमारे भाई की, तो नहीं आप भाई, एक काम करिए, आप आलिम है? जमशेद रजा कादरी। हाँ, आप आलिम है? आलिम की तारीफ क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद ने ईमान की तारीफ क्या की है, वो हवाला और किताब और तारीफ कर दो, और ईमान कब मुकम्मल होता है वजाहत करके बता दो नहीं, जरा। अभी आपने कहा कि आलिम आप हैं, तो आलिम की तारीफ क्या है तो बताओ मेरा। नहीं, आलिम की तारीफ को छोड़िए, पहले जो क्यों मैंने पूछा उसका सवाल का जवाब दीजिए। आलिम की तारीफ बताइए ना। नहीं, पहले जो मैंने पूछा नहीं, वही आपने कि पूछा, दारुल आलिम उलूम आप हैं, देवबंद के आपने। किस अकाबिर ने, किस आलिम ने ईमान की तारीफ की है और ईमान कब मुकम्मल होता है? अगर तुमने बता दिया देवबंदी, खुदा की कसम जो तू बोलेगा वो मैं अरे करूंगा। अगर तू जमशेद, ना बता सका तो देवबंद में किसी जमशेद माने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जमशेद, जिसने यानी ईमान की तारीफ की हो। यानी तुमने आलिम की तारीफ, तुमको मालूम नहीं, तुमने कबूल कर ईमान ली। की, अरे आलिम की तारीफ तो मुझे मालूम है, इल्म हासिल मालूम है तो करने बताओ वाला, ना, मालूम की तारीफ इल्म क्या है? हासिल करने वाला, इल्म, उसको आलिम कहते हैं, इल्म हासिल करने वाले को आलिम, आलिम की इल्म तारीफ। हासिल किसी चीज को, हाँ बिल्कुल, इल्म हासिल करने वाले को आलिम कहते हैं। अच्छा, कहाँ लिखा है वो? कहाँ लिखा है? कुरान के अंदर नहीं लिखा है? इल्म हासिल करने वाले को आलिम कहते हैं, कहाँ लिखा है कुरान वो के अंदर बताओ। तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे बताओ ना, कुरान की आयत। इल्म हासिल करना हर मुसलमानों के लिए फर्ज है, हुजूर का कौल नहीं सुना अरे तूने? वो फर्ज वो अलग चीज है, आलिम की तारीफ हाँ तुमने तो कहा कि आलिम इल्म की हासिल तारीफ करने ही वाले है, को इल्म आलिम कहते हासिल, हैं। इल्म 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 हासिल करने, कुरान की आयत है। अच्छा, तो इसके हिसाब से चलो अब मैंने सुनो, पढ़ दिया, एक मैंने मिनट, कुरान की आयत तुम्हें बता दी, चलो जल्दी कौन, अब ईमान की अच्छा तारीफ कौन करो। सी कुरान की आयत पढ़े? ईमान की नहीं, पहले ईमान की तारीफ, कुरान की कौन सी आयत पढ़े? कौन अब मैंने तुमको बता दिया, ईमान की सी? तारीफ नहीं, करो, कुरान से कौन सी ईमान आयत की पढ़े तारीफ भाई? करो, ईमान की तारीफ करो। कौन सी आयत पढ़े कुरान से? अबे पहले ईमान की तारीफ करो। कुरान की कौन सी आयत पढ़े यार जमशेद भाई? सूरह आले इमरान आयत नंबर 7, कौन सी आयत पढ़ के बताओ? इल्म वाले जानते हैं कि नहीं, आयतन मौकम क्या है, मुतशाबियात क्या है। ऐसा ये पढ़ना पढ़ाना बाद में, तुम्हें भागने नहीं दूंगा देवबंदी। मैंने तुमको चैलेंज किया कि ईमान की तारीफ दारुल उलूम देवबंद में किसी को पता ही नहीं है और ईमान कब मुकम्मल होता है किसी अकाबिर ने लिखा ही नहीं है। अगर तुमने ये साबित कर दिया, खुदा की कसम जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा, और अगर तू ना कर पाया तो फोन काट के भागना मत। नहीं, चल आलिम की तारीफ शाबाश, करो, कुरान की आयत पढ़ो। कर दिया मैंने, कुरान से कर दिया, वो मैं आराम को दिखा दूंगा, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। चलो आलिम की तारीफ करो, फोन क्यों किया ये बता दो उमर पहले। देवबंदी, तुझे भागने भी दूंगा, भोले भाले लोगों को अरे आप कॉल करके परेशान करता है, भागे जिसको इल्म नहीं भाग होता है, तो तुझे ये नहीं मुद्दा पता बताओ ना, है, मुद्दा बताओ, एक तुझे मिनट। ये नहीं मालूम है, तुझे ये नहीं मालूम है कि शरीयत क्या होती है, तरीकत क्या होती है, मार्फत क्या होती है, और तू आता है बात वो करने के सब लिए। मालूम है, तुम बताओ ना, बता तुम्हारा शरीयत क्या की मौकिल है, तारीफ, तुम्हारा क्या? पहले जो मैंने पूछा ईमान की अरे तारीफ, यार इधर उधर तूने की ये बात जो मत सवाल बोल। किया है दारुल उलूम नहीं के, तो ये आलिम की ईमान के तारीफ तो ताल्लुक बता, से है। मेरे मोहतरम, आलिम की तारीफ मैंने बता बता पहले, दिया, आलिम की तारीफ। बता दिया, अच्छा किस बता मौजू पे दिया, बात? नहीं बताया, पता, मौजू बता। अच्छा मौजू यही है, कौन सी ईमान बात? की तारीफ किसी देवबंदी आलिम ने की ही नहीं, ना उसको ईमान का मालूम है। आलिम की तारीफ अगर बताओ ना मालूम मेरे होता भाई, हवाला पेश कर दे। मेरे भाई आलिम की तारीफ बताओ, ईमान मैं सब बताऊंगा। ये देख रहे तुम हो ना, मैं खाली आलिम कैसे की भाग तारीफ रहा है, देख बताओ, रहे हो ना कैसे भाग रहा है। आलिम की तारीफ सुन, बताओ। मैंने कुरान की आयत बता दी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 भाई में आलिम अल्लाह की ताला तारीफ फरमाता बताओ है भाई। कि इल्म वाले जानते हैं कि आयतें मोहकम क्या है और मुतशाबेहात क्या है, यहाँ से इल्म मुराद है, तो इल्म किसी आलिम की तारीफ बताओ में यार, है। चल ऐसा बेटा नहीं है, शाबाश, आलिम की ना ना तारीफ ना ऐसा बताओ। ही है बेटा, इसकी तफसीर पढ़ जाके, चल अब भाग देखो मत, मैं भाग तफसीर मत, बता दूंगा, आलिम की भाग तारीफ। मत, अरे भाग मत, यार भाग मत, भाग मत, तुम भाग रहे हो जो भाई, पूछा वो सवाल का आलिम जवाब की दे। तारीफ बताओ क्या है। जो मेरा दावा है कि देखो तुम दारुल उलूम देवबंद में किसी माँ ने अल्लाह वो हलाली मैं आलिम बता पैदा नहीं दूंगा, तो किया आलिम की जिसने तारीफ ईमान बताओ। की तारीफ की हो और उसको ईमान मुकम्मल मालूम हो, कि ईमान मुकम्मल कब होता है। अगर किस तूने मौज? कर दिया, एक सुन मिनट भी, अगर सुनो तूने कर दिया यार, तो तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। एक एक बात बताओ, तुम किस मौजू चल पे बात करना आए हो? मौजू यही है कौन सा कि मौजू है? देवबंद में किसी को ईमान की तारीफ मालूम ही नहीं है, साबित अगर मैं बता दूं तो कर। तोबा करोगे? आलिम की तारीफ हाँ तुमने जो बिल्कुल बिल्कुल, बताया, तौबा देखो करूंगा, सुन 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 सुन, तुम्हारा तुम्हारे तौबा मुजद्दी भी साहब, सुनो करूंगा, ना सुन सुन, तौबा तुम, भी करूंगा, मेरी बात सुन ले, पहले ए, सवाल सुन, पहले एक दो दो मिनट की बात होगी, मेरा ही एक दो दो चैलेंज मिनट की बात होगी, पहले 2 मिनट तय कर लो। ऐसा तुम बोलोगे मैं बोलूंगा, बात समझ में नहीं चलो आएगी। ठीक, ठीक चलो है, ठीक है, दो दो मेरा मिनट सवाल की सुन बात लो, कर 2 मिनट लो। मेरा सवाल सुन लो, 2 मिनट? नहीं मेरा सुनो, ये तुम दावा है, सुनो, मेरा ये दावा है, सुनो सुनो, मेरा ये दावा है
कि दारुल उलूम देवबंद में कोई ऐसा आलिम पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी किताब के अंदर ईमान की तारीफ लिखी हो, ईमान की वजाहत की हो, और ईमान मुकम्मल कब हो। पहले नहीं सुनो, दावा क्या दावा है तुम्हारा, देनी है कि है तो वो हवाला पेश करो और अपने काबिल का नाम बताओ। अच्छा दावा क्या है तुम्हारा, दावे पे दलील दे दी, हमें मिलता नहीं किसी किताब में, दावा क्या है वो बताओगे। चलो जल्दी पढ़ो, वो किताब का हवाला दो मुझे और वो नाम बताओ किस आलिम ने तुम्हारी ईमान की तारीफ की। दावा क्या है वो बताओ, दावा मौजू और दावा होता है ना भाई यार, मुनाजरा अगर करोगे तो मौजू होता है, मौजू पे दावा होता है, दावा पे दलील होती है। उमर देवबंदी मैंने दावा भी कर दिया, चैलेंज भी कर दिया, अगर तूने बता दिया तो जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। दावा क्या है वो बताओ ना, शाबाश। दावा क्या है, दावा ये है कि दारुल उलूम देवबंद में अशरफ अली थानवी से लेकर के आसिम नानोत्वी तक या तेरे जिन्होंने किताब की उसे किसी किताब में उन्होंने ईमान की तारीफ मुकम्मल नहीं की और ना ही ईमान मुकम्मल कैसे होता ये बताया। ये मेरा दावा है कि मुझे दारुल उलूम देवबंद की किसी किताब में नहीं मिला। अगर तूने दलील दे दी कि देख मेरे काबिज ने ये कहा है और ये लिखा है, ये रही किताब और ये रही दलील, तो खुदा की कसम जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा, और अगर तू ना दिखा सका तो जो मैं बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। तो तुम्हारा ये दावा, तो दावे पे तुम्हारे पास दलील क्या है? दलील ये, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं देवबंद की। तो ये दलील होती है और क्या होती है, मतलब ये दलील होती है, यही तो दलील है, इसको दलील कहते हैं कि तुम कहीं नहीं पढ़े हो तो इसको दलील कहते हैं। जाहिल के बच्चे देख कैसे भाग रहा है। अरे मैंने कहा मैंने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं। अब ये देखो तुम्हारी किताब में मुझे भी बोलने दोगे कि तुम ही बोलते रहो। अच्छा ठीक है मुझे भी बोलने दोगे, मुझे भी बोलने दोगे, दावे पे दलील दे। अरे मुझे बोलने दो ना मेरे भाई, तेरा दावा है ना कि ईमान की तारीफ की है। दावा तो तुम्हारा है, मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया। मैं तो दावा कर रहा हूँ, मैं तो दावा अच्छा तो नहीं तो, अरे मुझे नहीं मुझे तो बोलने। ये मान ले कि देवबंद में जितने अकाबिर गुजरे सब जाहिल गुजरे। मुझे बोलने दोगे भाई, दो दो मिनट की बात किया तो कम से कम बोलने तो दोगे। चल बोल दो मिनट, बोल मैं खामोश हूँ। हाँ एकदम खामोश रहना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है भाई। इन्होंने एक दावा किया है और इस दावे पर इन्होंने दलील नहीं दिया है, जबकि इसके फतावा हामदिया मोहम्मद हामिद रजा फतावा हामदिया सफर नंबर 136 में लिखती है, जो शख्स किसी बात का मुद्दई हो, किताब का नाम सही से ले। हाँ अच्छा चल चल, अच्छा मुझे इबारत पढ़ने दे, किताब का नाम मैंने सही लिया। इबारत पढ़ने नहीं देना, डिस्टर्ब करने के लिए तू ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसमें लिखा जो शख्स किसी बात का मुद्दई हो उस बात का सबूत उसी के जिम्मे है जो अपने आप का दावा करे और सबूत न दे और दूसरे से उल्टा सबूत मांगता फिरे, वो पागल या मजनून या मक्कार कहलाता है। अब सोच तू अपने ही अकाबिर के फतवे से मक्कार और पागल और मजनून ठहरा, क्योंकि तुमने एक दावा किया और दावे पर एक दलील नहीं दी, और दूसरा एक तुम्हारा हकीमुल उम्मत हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसके सफर नंबर 182 में लिखा है कि मुनाजरा में तर्के दलील करने से परहेज करना चाहिए कि ये मगलूबियत की दलील है, यानी तू शिकस्त खा गया, तू मगलूब हो गया, तूने दावे पे दलील नहीं पेश किया, ठीक है। ये तुम्हारे अकाबिर के, नहीं मुझे बोलने दे, आओगे मुझे बोलने दे। और नहीं मेरा दो मिनट नहीं हुआ, मुझे दो मिनट नहीं हुआ, मेरा हयात हकीमुल उम्मत दूसरा सफा नंबर है 182, इस पे तुम्हारा हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नहीं भी कहता है हर दावेदार पर दलील लाजिम है, हर दावेदार पर दलील लाजिम है। अब खामोश हो जा, ढाई मिनट हो गए, अब खामोश हो जा। देखिए सामी निगराम, मैं इसके बीच में नहीं बोला, दो मिनट अब मेरा दो मिनट या ढाई मिनट दिया, मैं दो मिनट बोलूंगा, ये बचकर एक मिनट हो रहा है, चल बोल। इसमें बोलना नहीं, हाँ बोलना। इसने कहा कि इसने मेरे घर का हवाला पेश किया कि जो मुद्दई होता है वो दलील देता है, बिल्कुल मैं दलील देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके दारुल उलूम देवबंद की चौखट पे खड़ा हो गया,
और मैंने ये कहा कि तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद में जितनी किताबें रखी हैं और जितने तुम्हारे अकाबिर हैं, मेरा ये दावा है कि इस किताबों के अंदर, इस किताबों की इबारत के अंदर एक भी इबारत ईमान के ताल्लुक से तुम्हारे आलिमों ने नहीं लिखी है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपने एक भी किताब मुझे दिखा दिया कि हाँ भाई ये मेरे अशरफ अली थानवी की या कासिम नानूती की किताब है, इसमें उन्होंने ईमान की तारीफ और ईमान कम मुकम्मल होता है ये लिखा है, तो खुदा की कसम तुम मुझे जूते मारो, मैं चला जाऊंगा। ये मेरा दावा है तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके, और तुम इतने मजलूम हो, बेवकूफ हो, नामकूल हो, तुमको मेरा दावा और चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने दारुल उलूम देवबंद की किताबों को छान के बैठो और देखो कि कहाँ लिखा और कहाँ नहीं लिखा है। अब दूसरी चीज, तुम्हारे अशरफ अली थानवी की ये किताब मलफूजात, वो लिखते हैं कि आवाम की अकल तो ऐसी है कि गधे के अजवाए तनासुल की तरह बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, घटती है तो घटती चली जाती है। तो तुम्हारे घर का हाल है, ये तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि तुम्हारी अकल ऐसी है कि गधे के अजवाए तनासुल की तरह बढ़ती है तो बढ़ती है, घटती तो घटती है। अब तीसरी चीज ये है कि तुम्हारी अकल तो अशरफ अली थानवी ने कहाँ से दे दी, अब रमजान में मैं बोल नहीं सकता, वो तुम्हें पता लग गया। ठीक, अब मेरा ये दावा है, दावे पे मेरी ये दलील है कि तुम्हारी किसी किताब में ईमान की तारीफ तुम्हारे अब्बाओं ने लिखी नहीं है। तुम मुझे दिखा दो और मैं तुमसे रुजू भी करूंगा, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, और चुपचाप खामोशी से बैठ जाऊंगा। बस बोल लिया बोल लिया। देखे सामईन, देखे उसने एक दावा किया था और दलील मुझसे मांग रहा है, जबकि इसके अकाबिर कहते हैं जो जिस बात का दावा करे दलील उसके दिल में है, नहीं तो वो शिकस्त खोरदा है, उसके मगलूबियत की दलील है। तो ये अरशद रजा, क्या नाम है इसका, जमशेद पादरी साहब ने एक चीज का दावा किया। अच्छा मैं एक कहता हूँ, तुम्हारे मुजद्दी साहब ने ईमान की तारीफ किस किताब में की है वो जरा बता दो। ठीक है, मैं तो दिखा दूंगा अपनी किताब से, लेकिन तुझे अपने मसलक से रुजू करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे मुजद्दी साहब ने ईमान की तारीफ किस जगह पे की है, कौन सी किताब की है, वो किताब पेश कर दो जमशेद रजा कादरी। और तुम्हारे नकी अली खान साहब ने ईमान की तारीफ किस में किताब में की है वो भी पेश कर दो, ये दोनों का, तुम्हारे मुजद्दी साहब और तुम्हारे नकी अली खान साहब। ठीक है, चलो बताओ जमशेद कादरी साहब। सामी निगराम, ये देखिए इसने मान लिया कि इसके किसी अकाबिर ने ईमान की तारीफ की नहीं, ना ही इन लोगों को ईमान का पता है, इसीलिए क्यों नहीं पता, मैं अब दलील देने लगा मुंह बंद कर खामोश, इसलिए मैं बोलने लगा हूँ ईमान का इसको इन लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि अशरफ अली थानवी एक किताब में ये लिखता है कि जैसा इल्म हुजूर को है वैसा जानवर पागल मजनू को है। दूसरी किताब में ये लिखता है इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 88 पे लिखता है कि नबी जिस तरफ अपना रुख कर ले उस तरफ उसको तवज्जो होती है, उस तरफ से वो गाफिल रहता है। और इसने जो कुरान का तर्जुमा पेश किया ना, जाहिल के बच्चे ने उसको उसका मफहूम ही नहीं समझा, उस तरफ में मैं नहीं जाना चाहता। तो एक तरफ तो कहता है कि नबी जिस तरफ रुख कर ले उसको उसका इल्म होता है, दूसरी तरफ लिखता है जैसा इल्म हुजूर को वैसा जानवर पागल मजनू को भी है, तो इनको ईमान का खुद नहीं पता। तीसरी किताब में आ जाते हैं, इसकी किताब सिराते मुस्तकीम में इनका शाह इस्माइल दहलवी करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से किसी पीर फकीर या किसी नबी के ताल्लुक से ये अकीदा हो, चाहे ये भी मान ले वो कि अल्लाह की अता से वो मदद करता है, तो भी ये अकीदा शिर्क से खाली नहीं। अब इसका इमदादुल मुश्ताक में अशरफ अली थानवी लिखता है कि मैं अपने चीर से उसी तरीके से मदद लेता हूँ जिस तरीके से वो जाहिरी जिंदगी में लेता था, उसकी कब्र से उसी तरीके से लेता हूँ जिस तरीके से वो जाहिरी जिंदगी में लेता था। अब इसके फतवे से इसका अशरफ अली थानवी मुशरिक, अब इनको ईमान की तारीफ पता होती या ईमान का पता होता तो एक एक पल्ले पे होते। अब इसने ये दावा किया कि तुम अपने अकाबिर की यानी आला हजरत अहमद रजा खान पहले बरेलवी की किताब से दिखा दो कि उन्होंने ईमान की तारीफ कहाँ की है, तो मैं ये कहता हूँ अगर मैंने दिखा दिया तो उमर देवबंदी तुझे देवबंदी से तौबा करनी पड़ेगी। देखो आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे। देखो सामने आपने देख लिया, इसने भी मान लिया कि इसका जो मुजद्दिद है इसको ईमान की तारीफ इसके मुजद्दिद को नहीं मालूम है। ठीक है, इसने दिखाने के बोला तो शर्त रखा, मैंने भी इससे शर्त रखा कि तू तौबा करेगा अगर मैं दिखा लिया, तो इसने नहीं कहा। दूसरा, इसने झूठ बोला हिफ्जुल ईमान पर कि उन्होंने क्या हमारे किसी अकाबिर ने कहा कि जैसा इल्म जानवर को है ऐसा हुजूर सुस्म को नौज बिल्ला, इसने झूठ बोला, जबकि इसके मुजद्दिद ने हुसामुल हरमैन में लिखा कि जैसा इल्म हुजूर सल्लम को है ऐसा इल्म तो हर जानवर, हर चरपाए, हर मजनून को है, इसका मुझे इसके मुजद्दिद ने लिखा है इसमें हुसामुल हरमैन में। ठीक है, अगर ये बोले तो मैं हवाला भी भेज देता हूँ इसके आज इसके ये देखो देख खामोश, मेरे टाइम पे मत बोलो, जब मैं बोलूँ तो मेरे टाइम पे मत, नहीं मौजूद से तू भागा हुआ है ना, इसी से तू मौजूद से भागा है।
मौजू से मैं नहीं भागा हूँ, तूने ये बात करी है। नहीं नहीं देखो खामोश खामोश नहीं खामोश 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 की तारीफ और ईमान का दिखा दिया तो तू देवबंदी से तोबा करेगा। मेरे टाइम पे मत बोले यार, जब मैंने तेरे टाइम पे नहीं बोला तो मेरे टाइम पे मत बोल, मेरे टाइम पे मत बोल, नहीं मेरे टाइम पे मत बोलो। ये तुम्हारे मुजद्दिद ने जब लिखा है कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा हर जानवर को है, ये तुम्हारे अहमद रजा साहब ने लिखा है, ठीक है। और मैंने जब ये बात कही कि तुम्हारे मुजद्दिद ने या तुम्हारे नकिया लिखाने किस किताब में ईमान की तारीफ की है उसको पेश करो, तो ये पेश करने से कासिर रहा, इसका पता चला इस किस्म के अकाबिर ने ईमान की तारीफ किसी किताब में नहीं की है, ठीक है। और दूसरी बात, ये आलिम की तारीफ में जब इससे पूछा तो ये कुरान पर झूठ बोलने लगा कि आलिम की तारीफ ये है कि जो इल्म हासिल करे उसको आलिम कहते हैं, तो जो इल्म हासिल करे जो तालिब इल्म होता है इसके नज़दीक वो भी आलिम है, यानी जो इब्तदाई बच्चा होता है जो पहले मकतबे में पढ़ता है क्योंकि वो भी इल्म हासिल करता है, तो इसके मुताबिक नहीं नहीं इसके मुताबिक मुझे नहीं नहीं मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, तो इसके मुताबिक जो है इसका जितने भी तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं चाहे वो हाफिज हो चाहे इब्तदाई हो चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, इसके नजदीक सारे के सारे आलिम है। जबकि इसका मुजद्दिद अल मलफूज कामिल में लिखता है कि आलिम की तारीफ यह है कि अकायद में पूरे तौर पर आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी जरूरियात को किताब से निकाल सके बगैर किसी मदद के। हम मेरे टाइम पे बोलते रहे, नहीं नहीं मेरे टाइम पे बोलते, हम मुझे बोलने थे पहले, आधा मेरा आधा मिनट तो ले लिया हामिद, मेरा आधा मिनट ले लिया इसके, नहीं नहीं मेरा नहीं खामोश, इसके मुजद्दिद साहब अहमद रजा साहब बोलते हैं अल मलफूज कामिल में कि तालीम की तारीफ ये है कि अकायद से पूरी तरह आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी जरूरियात को किताब से निकाल सके बगैर किसी मदद के। और जमशेद रजा कादिर कहता है कि आलिम उसको कहते हैं जो तालिब इल्म हो, सोया ये खामोश रहे, सोया ये अपने अपने मुजद्दिद की बात को नहीं मानता, जबकि इसके अकाबिर ने लिखा है सुआरिमुल हिंदिया में कि जो अहमद रजा का हम अकीदा ना हो वो काफिर है। खामोश रहे यार, अल सवारिल हिंदिया में सफा नंबर 36 पे लिखा, मुझे बोलने देना, मेरे टाइम पे डिस्टर्ब मत कर यार, पूरी तरह। अरे देखो सवारिल हिंदिया में लिखा है कि जो अहमद रजा का हम अकीदा ना हो वो काफिर होता है, तो ये जमशेद रजा कादरी उलमाए बरेली के फतवे से भी काफिर साबित हो गया। अरे वो बीच में क्यों बोल रहे यार, मुझे ये नौ पे है, अब बोल, दो मिनट बोल, दो मिनट बोलते हैं उसके बाद ये करते हैं कि सामने वाले को बोलने नहीं देते। अब देखिए इस जाहिल ने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की जो इबारत पेश करी कि आलिम उसको कहते हैं जो आजाद निकाल दे, और उसके बाद जो वही चीज मैंने पेश करी थी सूर्य आले इमरान से कि आयत मौकम और आयत मुतशाबी आज क्या है इल्म वाले जानते। अब इसने क्या बोला कि तालिब इल्म है उसको भी आलिम बोला, भाई जाहिल के बच्चे मैंने कहा था जो इल्म हासिल कर ले उसको आलिम कहते हैं, जाहिल जो इल्म हासिल कर रहा है उसको आलिम नहीं कहते, उसको तालिब इल्म कहते, गधे हो तुम। इसलिए तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने बिल्कुल सही मिसाल दी थी कि अजवाई तनासुल की गधे के अजवाई तनासुल की तरह तुम्हारा दिमाग है, बढ़ता तो घटता है बढ़ता घटता है, बस यही होता रहता है तुम्हारे साथ। अब आइए, अब इसने कहा कि इल्म की तारीफ अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने कहा कि देखो अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने कदम कदम पर इल्म की तारीफ की है, क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के रसूल ईमान क्या है, तो अल्लाह को देखना, आखिरत पर ईमान रखना, अल्लाह पर ईमान रखना, दोजख जन्नत पर ईमान रखना, मर के जिंदा होने पर ईमान रखना, ये ईमान की तारीफ आला हजरत ने अपनी किताब के अंदर की, और किस किताब के अंदर की इस बड़े को नहीं बताऊंगा मैं, आराम से आपको लगा दूंगा। दूसरी चीज, आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने हदीस कोट की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान जब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम मुझ पर पूरी तरीके से मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ, हर चीज से, माँ बाप भाई बहन हर एक चीज से। तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, सरवर कहूँ के मालिक और मौला कहूँ तुझे, दागे खलील सा गुले जैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमे मुनव्वर की ताबीशे, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। तो जाहिल के बच्चे, दो मिनट हो गया भाई,
जमशेद साहब, दो मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, कहना चाहता था वो मेरा दावा बिल्कुल, दो मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, दारुल उलूम देवबंद में कोई ऐसा माइका लाल पैदा ही नहीं, दो मिनट हुआ, दो मिनट हुआ है, जिसको ईमान का पता हो, तो जिसको ईमान का पता ही नहीं है वो कैसे मुसलमान होंगे, दो मिनट हो गया, पता ही नहीं है वो कैसे मुसलमान होगा, दो मिनट हो गया, नॉलेज नहीं है, खामोश रहे, बात करेंगे, खामोश 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 रहे, खामोश रहे, मालूम है वो खामोश करेंगे, खामोश खामोश, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, अरे खामोश रहे, भागना मत, भागना मत, की तारीफ करने की, भागो मत, उन्होंने इनको सिखाया नहीं, भागो ना यार, जमशेद सर भागो मत, खामोश खामोश, देखो ये अपने मुजद्दिद पर भी झूठ बोला, ये अमित ने अपने अहमद रजा पे भी, अपने अहमद रजा पे झूठ, समीर जी व्यक्त, हेलो 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 उमर साहब बात करे, हाँ बोलिए ना, अरे यार आपने हमारे भाई की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ा दी, इनको इतना इल्म नहीं था, आपने जो है ऐसे इनको उल्टा सीधा समझा के और रिकॉर्डिंग डाल दिया यूट्यूब पर। अच्छा किसका भाई? आपने हमारे भाई की, तो आप एक काम करिए, आप आलिम हैं?